हे गाइस, तो 5 मिनट्स कुकिंग विद निशा में आज हम लोग नारी का साग बनाएंगे। हेलो गाइस, तो ये मैंने आज लिया है नारी का साग और मैं इसको आज बनाना बताऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं, इजी रेसिपी। और ये मैंने धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है और इसके जो टाइट वाले डंडियां थी वो मैंने तोड़ दी हैं और ये मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट वाला ले लिया है और ये बहुत सॉफ्ट होता है तो गलने में टाइम नहीं लगाता, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये कैसे बनती है। इसमें आयरन बहुत होता है और इन दिनों में बहुत आती है ये सब्ज़ी, खानी भी चाहिए और साग तो वैसे भी होता है फ़ायदेमंद, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि इसको काटते कैसे हैं। और गाँव में तो हम इसको हसिए से काटते थे, है हमारा थोड़ा सा विदेशी तरीका, तो यहाँ पर हम इस तरह काटते हैं। इस तरह हम इसको महीन महीन काट लेंगे, ये देखिए ये पकता है। दाल चावल और साग बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे तो बच्चे खाते नहीं हैं लेकिन मैं बताऊंगी आपको किस तरह इसको बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाते हैं। तो इस तरह इसको पूरे साग को काट लेंगे और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको पकाते कैसे हैं। तो आइए फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसको कैसे बनाते हैं। बाकी सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें डालना है सबसे पहले लहसुन। और उसके बाद जीरा और उसके बाद थोड़ी सी घी और ये थोड़ी सी मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज काट लिया है मैंने। एक प्याज लिया है मैंने काट के अच्छे से और इस तरह सब्जी आप बनाएंगे तो फटाफट भी बन जाएगी और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और अदरक। और साथ ही साथ डाल दूंगी मैं इसमें नमक ताकि प्याज और टमाटर मेरा जल्दी से पक जाए। तो 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। तो टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची और साग में बहुत सारा मसाला वसाला तो कुछ पड़ता नहीं है, सिंपल सा ही अच्छा लगता है साग। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं। इसके बाद डाल दूंगी मैं साग। ये 2 बंच साग है, लगभग आधे से 1 किलो। तो अभी जब ये रखा है कढ़ाई में तो ये बहुत सारा लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके बाद ही मिक्स करेंगे इसको। तो फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि इसको अभी हम चला नहीं सकते, बर्तन हमारा इतना बड़ा नहीं है। और इसमें पानी नहीं डालते क्योंकि ये साग जो है अपना ही पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें पानी हम नहीं डालते। तो अब 5 से 7 मिनट के लिए इसको कर देंगे कवर।
तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसके बाद देखते हैं, 7 मिनट हो गए हैं इसको। और ये देखिए कढ़ाई भर के था और ये अब नीचे बैठ गया है। और पानी भी देखो इसने कितना सारा छोड़ा है। अब हम सारे मसाले जो हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ये आसान होता है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से हम सारे मसाले जो हैं इसमें मिक्स कर देंगे। और अब थोड़ा सा फ्लेम जो है बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें जो पानी आया है वो भी सूखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम जो है हम बढ़ा देंगे। और 5 मिनट के लिए इसको, वैसे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, गलने लगा भी है, लेकिन और हम अच्छे से इसको गलाएंगे तो 5 मिनट के लिए हम इसको और ढक के ढक कर इसको और पकाएंगे। तो मैं ढक देती हूँ इसको। पांच मिनट इसको और हो गए हैं। अब गैस जो है फुल फ्लेम कर लेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। बच्चों को आप इस तरह साग बना के देंगी तो उनको बहुत टेस्टी लगेगा, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं हम। और ये सीजनेबल जो होता है, ये जितनी भी सब्जियां सीजनेबल होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ये जो है खाली साग नहीं है, ये एक तरह की औषधि भी है, तो इसको खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आयरन तो बहुत होता है इसमें क्योंकि इसको बोया नहीं जाता, ये अपने आप ही बरसात आने से आने के बाद अपने आप ही ये पानी के, जहाँ पानी के सोर्स होते हैं वहाँ ये अपने आप ही निकल आता है। और सीज़न में ही निकलता है, ये कभी ऐसे आम सीज़न में मिल नहीं सकता क्योंकि इसको बोया नहीं जाता, तो ये कमाल की औषधि भी है। तो जो चीज़ सीज़न में आया करें उसको ज़रूर खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये भुन गया है अच्छे से और ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तैयार हो गया है, फ्लेम अपना कर देंगे बंद। तैयार है हमारा नारी का साग, तो इसकी कर लेते हैं फटाफट से प्लेटिंग। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी नारी का साग, इसको बनाएं खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसलिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल पाए मेरे। और बस आज की रेसिपी है नारी का साग। सो गाइस, ये थी हमारी नारी के साग की रेसिपी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।